नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश सिंह और आप सभी का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले और साक्ष्य दर्शता से ये क्वेश्चन आरक्यू और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में भी पूछा गया था। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, SNOP.ONSPCLAY। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार निकलेगा आपको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार जो कि SNORP है, उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन में पूछा ONSP। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन में पूछा, देखो कि SNOP ONSP, तो पूछ क्या रखा है इस क्वेश्चन में, पूछ रखा फ्रेंड कि CLAY, ये पूछ रखा कि CLAY का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, SNOP, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो नंबर लगा देता हूँ इसके ऊपर 1, 2, 3 और 4। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 से किया, उसी प्रकार से यहाँ पे ONSP कितने नंबर पे है, तो आपको मैं बता देता हूँ, एस कितने नंबर पे है, एस से एक नंबर यहाँ पे है, तो ओ है ये, ओ कितने नंबर पे है, ओ 3 नंबर पे है, पी कितना नंबर पे है, पी जो कि 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे मैं 4 नंबर पे ही लगा देता हूँ, और एन 2 नंबर पे है। सिंपल से आपको यहाँ पे भी वही करना है, तो आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे पहले 2, 3 और 4, तो सी कितने नंबर पे है, यहाँ पे जो कि ओ है वो कितने नंबर पर था, यहाँ पे आएगा ए। उसी प्रकार जो कि यहाँ पे फिर था एन, तो यहाँ पे एन 2 नंबर पे, यहाँ पे एल लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस पहले नंबर पे, यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो कि पी, जो कि वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा सिंपल वाला, जो कि पहले वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, TSRFEDWVU क्वेश्चन वाचक। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आपको बता देता हूँ, WVU इसके मतलब यानी कि इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रखा आपको मैं समझा देता हूँ। फ्रेंड, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा गया था, और किस प्रकार से इसे निकालना था आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पे टी लिखा है, TSR लिखा है, और यहाँ पे FED किस प्रकार से है आपको समझा देता हूँ। जिस प्रकार से टी से एस की दूरी कितना है आपको पहले ये निकालना है, फिर एस से और यहाँ पे आर की दूरी कितना है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे टी से एस जो कि -1 यानी कि -1 में जा रहा, और ये भी -1 में जा रहा। उसी प्रकार यहाँ पे एफ से और ई की दूरी कितना है, और ई से डी की दूरी कितना है, तो यहाँ पे भी -1 जा रहा, तो यहाँ पे भी -1 ही जा रहा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना है, लिखना है आपको WVU। तो आपको मैं समझा देता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे -1 आया था और -1 इधर भी आया था, तो सिंपल से आपको भी यहाँ पे पहले निकालना होगा इतनी दूरी, और यहाँ से भी फिर भी से और यू तक की दूरी देखना होगा। तो जिस प्रकार से -1 आया था, सिंपल वहाँ पे भी -1 ही आना चाहिए। अगर -1 नहीं आएगा तो फ्रेंड ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि -1 आना चाहिए। तो आपको मैं समझा देता हूँ, जिस प्रकार से -1 यहाँ पे आया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको सिंपल से निकालना है। तो यहाँ पे आपको दूरी निकाल के बता देता हूँ कि W से आता है फिर दूरी -1 में, जो कि आएगा M, और फिर आएगा आपका माइनस की दूरी पे यहाँ पे L। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस की दूरी लगाओगे आप, तो आ जाएगा आपका K। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि सिंपल से आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 32, 28 क्वेश्चन औचक। तो फ्रेंड, क्वेश्चन औचक का मतलब इन ऑप्शनों में से क्या आएगा। फ्रेंड आपको बता देता हूँ, ये एक क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा गया था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड, जो कि 7 से 32 आया, और 28 से क्या आएगा इन ऑप्शनों में छुपा है। तो आपको मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे जो कि है 7, तो आपने यहाँ पे 7 उतार लिया,
अब आपने इस प्रकार से इसे डिवाइड करना है कि 32,000। तो मैं यहाँ पे 7 का गुना 4 से कर देता हूँ, तो 7 चक को 28 हो जाता है, और यहाँ पे 28 पे प्लस कर देता हूँ 4, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32, जो कि यहाँ पे 28 है, यहाँ पे मैंने 28 निकाला था और 32 यहाँ पे डिवाइड करके 32 निकाल चुका हूँ। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी सिंपल वही करना, ट्रिक अपनाना है। तो यहाँ पे आपने 28 लिखना है, 28 का गुना जो कि 4 से कर देना है, जो कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4 करके आपका आंसर आ जाएगा 116, जो कि यहाँ पे 116 आ जाएगा, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 42, 20, 64 क्वेश्चन वाचक। तो फ्रेंड 64 के बाद जो कि इन ऑप्शन में क्या आएगा ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, जो कि एसएससी स्टेनियो 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे 42 से 20 आया, तो कुछ ट्रिक ऐसा लगाया कि 42 से 20 आ गया, तो उसी ट्रिक को मैं यूज यहाँ पे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि 42 से आपको 42 का भागा करना है 2 से भागा करने पे आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको फिर 1 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 42 का आंसर आ जाएगा आपका 21 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 जो कि भागा किया आपने तो 21 आया, और 1 माइनस आपने कर दिया तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना है 64 का, तो यहाँ पे 64 का भागा कर देना है आपने 2 से, भागा कर दिया आपने 64 का, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 32। 32 में से 1 माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 62, 145 क्वेश्चन वाचक। तो फ्रेंड जो कि उसके बाद के ऑप्शन जो कि नीचे ए बी सी डी में दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल इसका आंसर निकलेगा। जिस प्रकार यहाँ पे 62 दे रखा और 145 दे रखा, आपको बता देते हैं यहाँ पे 62 और 145 लिख लेता हूँ। लिख लिया तो आपको इसको पहले विभाज्य करना है कि यहाँ पे आपको 8 का जो कि यहाँ पे 8 का विभाज्य करना है, यानी कि 8 का मतलब 8 8 64 होता है, यानी कि 8 का गुना 8 से करना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 64, और यहाँ पे आपने माइनस 2 कर देना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 62 आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको फिर करना है 145 का, जो कि ये आंसर आपका पहले का निकल चुका है। आपका यहाँ पे विभाज्य यानी कि भाग किया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर रेट, तो आपने यहाँ पे 2 से मतलब भाग करना, यानी कि 12 का गुना 12 से कर देना है, तो यहाँ पे आपको 12 का गुना 12 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 144, आपका 144 आ जाएगा, और प्लस 1 कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 145, जो कि पहले का तो ये क्लियर हो चुका है। अब आपको दूसरा जो कि दूसरा किस प्रकार से आपने निकालना है तो वो समझा देता हूँ। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन का चेक करना होगा विभाज्य करके, क्या ये सही आ रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल भी गलत लग रहा मुझे, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। अगर मैं इसका स्क्वायर रेट निकालता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं सीधे शॉर्ट आंसर में बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप सीधे सबका करता रहूँगा मैं तो सीधे तो यहाँ पे सारे के सारे गलत ही निकलेंगे, सिर्फ एक सही निकलेगा फिर टाइम लग जाएगा। मैं आपको सीधे आंसर में ले जाता हूँ। जिस प्रकार यहाँ पे आपने स्क्वायर रेट निकालना है 11 का, सीधे आप 11 का निकालना है स्क्वायर, यानी कि 11 का गुना आपने 11 से करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 121। अब वही वाले ऑप्शन में आपने जो पहले वाला ऑप्शन किया था माइनस 2 किया था, तो यहाँ पे भी माइनस 2 होना चाहिए, जो कि आंसर निकलने के लिए माइनस 2 करोगे आप तो 119 आता है यहाँ पे। तो क्लियर है फ्रेंड, ये तो क्लियर है कि -1 करने से आपका यहाँ पे निकल चुका है 119।
उसी प्रकार से यहाँ पे जो कि आपका होना हो जाएगा उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का गुना करना है आपने, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 225, और एक प्लस करने पर आपका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे भी आपको ऊपर 4 की दूरी होना चाहिए। फ्रेंड ये क्वेश्चन थे मेरे रीजनिंग के जो कि साक्ष्यदर्शिता से पूछे जाते हैं। फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।